हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत करता हूँ फिर से एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज है लास्ट मार्च 2024, यानी कि 31 मार्च 2024, और आज फिर से मैं आ गया हूँ घूमने के लिए, टहलने के लिए इधर सरेह की तरफ, जिधर मैं प्रतिदिन आता हूँ सुबह सुबह। और दोस्तों आ करके जो है ना, वीडियो अपलोड भी हो चुका है हमारा, और अभी चलते हैं आगे से घूम के आते हैं। और दोस्तों अभी 6:15 हो रहा है, तो इस समय का भी कुछ इस प्रकार का है, देख सकते हैं। और सूर्योदय हो चुका है, लेकिन अभी मालूम नहीं पड़ रहा है क्योंकि बादल है थोड़ा लगा हुआ है इसकी वजह से। तो चलिए फिलहाल चलते हैं आगे से, यानी कि ये रास्ता जहाँ तक जाता है वहाँ तक से घूम करके और फिर आते हैं। बीच सरे में दोस्तों ये रास्ता जाता है, अभी आगे जो है ना सनौल खान है, कल उसी होकर के फेरी करने गया था, तो उस रास्ते में मिला नहीं है, थोड़ा उससे इधर ही है। तो चलते हैं दोस्तों, रास्ते के लास्ट छोर पर आ चुका हूँ, लास्ट जगह पर आ चुका हूँ, देख सकते हैं इधर। इससे आगे रास्ता नहीं है, और सूर्योदय भी हो चुका है दोस्तों, तो सूर्य नमस्कार कीजिए, जय सूर्य देव। और दोस्तों यही सामने जो है ना, पास में ही सोनौल खान है, लगभग हमारे घर से एक बार यहाँ आएंगे तो सुनौल यहाँ से 2 बार आके जाएंगे, इतना नज़दीक है, लगभग 2.5-3 किलोमीटर तक आ गए यहाँ से, आ रही है। इससे आगे रास्ता नहीं है, बीच सरेह में आ चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ का चारों तरफ का व्यू कुछ इस प्रकार के। तो चलते हैं, गेहूँ भी कटना चालू हो चुका है इधर, जो सबसे आघात है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल चलते हैं यहाँ से घर पर, और फिर घर पे मिलते हैं। चलिए दोस्तों, अभी आ गया घर, और पहले तो इसको खोल देते हैं मच्छरदानी को, हो गया। उसके बाद अब चलते हैं, इतना ही गमछा है, 36 पीस है, तो ये तो सरिया हुआ है फिर से, इसको एक बार सरिया लेंगे, और ये सबको सरिया लेते हैं। थोड़ा सा इधर उधर छिटा उटा गया हुआ है, देख सकते हैं इधर उधर हो गया है, झोला में का भी सरियाना है, निकल उकल गया है और टेस्टर हो गया, उसको सीधा सीधा करके अच्छे से बांध लेते हैं, सरिया लेते हैं। टाइम दोस्तों अभी 6:15 हो रहा है, 7:15 हो रहा है अभी, तो चलिए सरियाते हैं। 8:15 हो रहा है, और अभी पूरा सरिया लिया, देख सकते हैं गमछा भी इधर हो गया है, और कैरेट में कभी हो गया, और इधर देख सकते हैं झोला में कभी हो गया, और अभी 7:45 हो रहा है, तो थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा सा बुक रीड करते हैं, उसके बाद में 8:30-9:30 बजे स्नान करेंगे, और फिर दोस्तों मिलते हैं 9:30 बजे के आसपास। देख सकते हैं कृष्णा पानी भर रहा है, इस बाल्टी में भर लिया और इसमें भर लेते हैं, उसके बाद में स्नान करेंगे। और इधर सोनम है, देख रहा है पानी भर रहा है कृष्णा, तो इधर राई सरसों फटका रहे, देख सकते हैं राई सरसों माई फटक रही है। चलिए दोस्तों स्नान भी कर लिया, चलते हैं पूजा करते हैं, अगरबत्ती जला लेते हैं, पहले पूजा कर लेते हैं, पूजा भी कर लिया देख सकते हैं, और पूजा हो गया, और तेल लगा करके पूरी तरह से तैयार भी हो चुका हूँ। टाइम दोस्तों 8:30 हो गया है, तो अब खाना खाते हैं, और उसके बाद में सब सामान को गमछा उमछा को लोड करेंगे गाड़ी पर। तो पहले दोस्तों खाना खा लेते हैं, तो दोस्तों अभी खाना खा रहे हैं, देख सकते हैं दाल चावल सब्जी पानी, और इधर कृष्णा भी सरवन भी खा रहा है, और कृष्णा उधर है देख सकते हैं, ये दूध पिएगा, अभी मैं खाना खा रहा हूँ, सरवन भी खाता है, तो चलिए खाते हैं, खा करके फिर सामान लोड करेंगे। अभी टाइम 9:30 हो गया है, और अभी मैं घर से निकल चुका हूँ, 9:15 बजे निकला हूँ, और दोस्तों बॉडी भी हो चुका है 20 रुपये से, एक टेप बिका है बस अपना गांव में, 20 रुपये से आज बोनी हुआ है। फिलहाल दोस्तों चलते हैं अगला गांव, दादन चक घूमते हैं, दादन चक घूम के फिर भी है, और अभी मात्र एक गाँव घूमा हूँ दादन चक, तो दादन चक में दोस्तों लगभग 1200 के आसपास तक सेल हो गया है, और अपना गाँव में 20 रुपये से बोनी खाली हुआ था बस, 11:30 दोस्तों हो गया है। चलिए फिलहाल दोस्तों अभी चलते हैं घरवारा की तरफ, घरवारा घूमते हैं। चलिए दोस्तों घरवारा भी घूम लिया, घरवारा के बाद एक और छोटा सा गांव है वो भी घूम लिया, यानी कि 2 गांव घूमा हूँ, और घरवारा में खाली 300 का प्लाजो और टी शर्ट बिका है, 300 का, और उसके बाद में कच्छा उच्छा ब्लूमर सब बिका है 60 रुपये, यानी कि 360 रुपये का सेल हुआ है घरवारा में। अभी दोस्तों चलते हैं फिलहाल मोहनी और मसाही, मोहनी मंडल और मसाही दोनों गांव घूमते हैं, और फिर मिलेंगे ये दोनों गांव घूमने के बाद। दोस्तों टाइम अभी हो गया है 12:45, और दोस्तों आज जो है ना इस समय का व्यू कुछ इस प्रकार का, जैसे तो धूप काफ़ी है और हवा भी चल रहा है,
तो हवा चल रहा है तो धूप नहीं बुझा रहा है, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है। फिलहाल चलते हैं दोस्तों मोहनी मंडल और मसाही घूम करके मिलते हैं। ये टोला घूम लिया, छतौनी टोला है। और दोस्तों मोहनी मंडल पूरा घुमा हूँ, गुलरिया घुमा हूँ और छतौनी टोला, तीन गांव घूम लिया। और अभी मसाई घूमने का बाकी है, तो चलते हैं दोस्तों मसाई घूमते हैं। और टाइम की बात करें तो दोस्तों टाइम अभी हो गया है 4:30 हो गया है दोस्तों, तो चलते हैं मसाई घूमेंगे और मसाई होकर के सीधे घर की तरफ चलेंगे। मान ली दोस्तों अभी मसाई गाँव घूम लिया। मसाई गाँव में दोस्तों सेल हुआ है 250 और 300 का सेल हुआ है, जिसमें 120 रुपये का इनकम हुआ है, जिसमें जो कुर्ति गायब हो गया है दोस्तों। इसमें का ये पीला कलर देख रहे हैं, ये ऐसा ही कलर का दो था, तो दो देख करके जो है ना एक दबा दिया है, तो ये गायब हो गया है। 65 रुपये खरीदारी, तो 65 रुपये पूँजी गया, 120 में से 65 माइनस होगा, 65 रुपये तो गायब ही हो गया। तो चलिए चलते हैं, फिलहाल दोबारा गए हैं उसके पास, तो वो बोल रहा है कि नहीं लिए है, नहीं लिए, बोल मला दिया। चलिए अभी चलते हैं दोस्तों घर पे, अभी 6 बज गया है, बेड डूब चुका है, अभी देख सकते हैं इधर बेड अभी डूब चुका है। जाहिर रहा था कि इस वाला टोला में क्या यहीं पे रोक के हुए हैं, और यहीं पे रोक करके है ना जा रहे थे, तो बिक्री हुआ है लगभग 650 का। तो मसाही गाँव में सेल हुआ था और इनकम हुआ था जो है ना 120 में से, तो 120 में से यानी कि 65 रुपया गायब हो गया है, कुर्ती और गायब हो गया है, तो मानिए कि 55 रुपया इनकम हुआ है मसाही में, लेकिन कुर्ती गायब हो गया है तो बहुत ही दुखी मन हो गया था। लेकिन दोस्तों आ रहा था तो रास्ते में बिक्री हो गया है, तो मज़ा आ गया दोस्तों। 650 का सेल हुआ है और सही रेट पे भी हुआ है। अंधेरा हो गया है, देख सकते हैं टाइम 7 बज गया है, थोड़ा सा मार्केट सब्जी लेने लगे हैं इसके वजह से, तो अभी थोड़ा सा सेविंग करवा लेते हैं, उसके बाद ही चलेंगे। चलिए सेविंग करवाते हैं, भैया लगाइए, चलिए सेविंग करवा कर फिर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों बना लिया दादी, चलते हैं अभी सेविंग बढ़ गया। क्या बनना है जी? ब्लॉग दे दिए पैसा। तो अभी आ गया घर, अभी 7:30 हो रहा है, 7:15 बजे पहुँचा, तो अभी माल उतार करके और आ गया अभी इस रूम में। और दोस्तों सेविंग में सब बनवा लिया हूँ, आज 31 लास्ट मार्च है, तो महीने का लास्ट दिन है, तो सोचे बनवा लेते हैं, और बनवाने वाला भी हो गया था दाढ़ी। तो चलिए अब टोटल पैसा को गिनती करते हैं कितना होता है। और दोस्तों आज खर्चा ज़्यादा हो गया है, लगभग कितना 100 रुपये पेट्रोल, 140 रुपये इधर खर्चा हो गया सब्ज़ी और पेट्रोल नाश्ता लेकर के, 150 मानिए 150 खर्चा हुआ है, और 150 आएगा 1000 और यानी कि 1100 रुपया खर्च हुआ है, 1000 रुपया गया दोस्तों लोन में, गाड़ी का लोन चल रहा है उसमें 1100 रुपया और अकाउंट में था, और 1100 रुपया इसमें से डाले हैं, तो हो गया 1150 रुपया आज खर्च हो गया। गिनती करते हैं टोटल सेल कितना है हुआ है, यही है दोस्तों, सबको सही आते हैं और गिनती करते हैं टोटल कितना होता है, सरिया लेते हैं सब पहले दोस्तों, सारा सरिया लिया दे सकते हैं, अब इसको गिनती करते हैं टोटल कितना होता है। 1, 2, 3, 4, 4×20, 21, 22, 23, 24, 25, 3100 रुपया है दोस्तों हमारे पास, 1100 रुपया खर्चा हुआ है, 1040 लेकर गया हुआ था, तो हो जाता है यानी 100 रुपया ये हो गया, 3100, 3200 टोटल सेल आज का 3200 है। तो सेल दोस्तों ठीक हुआ है, लेकिन खर्चा भी ज़बरदस्त हुआ है, और 65 रुपया नुकसान हो गया है, भुला गया कुर्ती इसकी वजह से, तो उसका थोड़ा मन में दिक्कत था, लेकिन आगे बढ़ा हूँ तो अच्छा रेट में बिना मोल भाव के, जैसे जैसे मैं बोला वैसे वैसे सेल हो गया 650 का, तो मेंटेन हो गया, तो खुशी हो गया है, अच्छा खुशी मिला है। लेकिन ये लोन में खर्चा हुआ है तो थोड़ा सा जो है ना मन जो है ना ढीला जैसे, निगेटिव जैसे हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, जो खर्चा है सो तो हो गए करेगा ही, और ये लोन आज नहीं तो कल तो भरना ही है, तो ये तो निकल गया 1100 रुपया इसकी वजह से, थोड़ा मन में दिक्कत है।
इनकम हो और थोड़ा सा खर्च होता है तो अच्छा लगता है, लेकिन इनकम से ज़्यादा खर्चा जब हो जाता है, हाथ से निकल जाता है, कोई भी काम में, ज़रूरी काम हो या कोई भी काम में, जब कमाई करते हैं उसका उतना, अगर कमाई जितना करते हैं उतना पूरा अगर निकल गया तब मन में दिक्कत होता है, लेकिन अगर कमाई हो रहा है उसमें से थोड़ा सा 10% 20% 50% अगर खर्च हो रहा है तो अच्छा लगता है। चलिए फिलहाल गिनती कर लिए और आज का इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसकी वजह से। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों कल सुबह एक और नई वीडियो में, और आज के लिए इतना ही। मार्च महीने का ये लास्ट ब्लॉग्स है, तो मिलते हैं अप्रैल में नए महीने में नए तारीख के साथ। तो अब के लिए बाय बाय, गुड नाइट।